जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें, तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी दो तीन बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे, विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कह रहे थे विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई, और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेसी, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें, कांग्रेसी ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं, और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर सब ने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बौखलाहट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है, उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया, पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। मेरे दांत देखो काटने जैसे हैं लग रहे हैं, उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ खुद ही काट के। ये तो बातें बनानी है, उनके लोगों ने जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की उनका कुछ नहीं है, और आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको काटा है, तो ये सब असंवैधानिक है। मैं पुनः बहाल होने के बाद भी अपनी रणनीति, अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा, जवाब सदन में भाजपा को देना पड़ेगा, चाहे परमानेंट मेरी सदस्यता ये निलंबित कर दे, लेकिन जिस रवैये से ये सदन चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।